छात्रों का हिंदी क्लास में स्वागत है। और हिंदी का हम लोग चैप्टर 15 पढ़ रहे हैं और 15 चैप्टर में आज हिंदी क्लास में 8 अक्टूबर के सभी छात्रों का हिंदी क्लास में स्वागत है। और हिंदी चैप्टर 15 पढ़ाया जा रहा है और 15 में जो है गिद्धर गिद्धर की कुंडलियां है। कुंडलियां का मतलब है कि कुछ 6 लाइन का जो लाइन है वो 2-4 से 6 लाइन का कविताएं हैं, 6-6 लाइन का। और इस कविता में कुछ नीति परक दोहे हैं, नीति की बातें सिखाई गई है। नीति की बात कहा गया है, कहा है कि भूल के गाहक सब नर बिन गुण रहे ना कोई, जैसे काग कोकिल शब्द सुने सब कोई, शब्द सुने सब कोई कोकिल सबे सुहान। कहने का मतलब है कि गुण के ग्राहक मतलब ग्राहक, यानी गुण के ग्राहक सब कोई है, यानी गुण खरीदने वाले सब कोई है, यानी गुण को ही सब कोई स्वीकार करते हैं। और बिन गुण रहे ना कोई, और जिसके पास गुण नहीं है उसको कोई नहीं मानता, उसको कोई नहीं जानता, और ना उसको सम्मान मिलता है। जैसे कोयल और कौआ दोनों ही काले होते हैं, लेकिन दोनों के गुण में जो कोयल की गुण है वो सुरीली आवाज है, उसकी आवाज को सब कोई सुनना पसंद करता है, लेकिन कौए की आवाज को सुनना पसंद नहीं करता है, क्योंकि कोयल की आवाज मधुर है और कौए की आवाज कर्कश है। इसलिए शब्द सुने का कोयल सब सुहान, दो को एक रंग काग सब है, गिरधर कवि राय सुनो जो ठाकुर मन के, बिन गुण रहे ना कोई सहस नर ग्राहक। तो यहाँ कवि कहते हैं कि बिना गुण का जो है, यानी जिसके पास गुण नहीं है उसको कोई सम्मान नहीं करता है, जिसके पास गुण है उसको सब कोई सम्मान करता है, कवि गिरधर कवि राय कहते हैं। तो यहाँ पर कौवा और कोयल से दिखाया गया है कि कोयल की आवाज बहुत मधुर है, इसलिए उसकी आवाज को सब कोई सुनता है। कौवा का आवाज कर्कश है, इसलिए उसका आवाज कोई नहीं सुनता है। यानी यदि आप में गुण है तो सब कोई आपको सम्मानित करेगा, और अगर गुण नहीं है तो आपको सम्मानित नहीं करेगा। तो अगला है यहाँ पर, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलझिए सयानो काम, यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीर्ष आगे घर दीजिए। पानी बाढ़े नाव में, यदि मान लीजिए कि नाव में छेद हो गया है और नाव में पानी यदि बढ़ रहा है और घर में भी पानी यदि घुस गया है, तो यही समय का तकाजा है कि उसको हाथ से उलझ करके जो है उसको फेंकते जाए, और नहीं तो नाव में पानी भर जाएगा तो डूब जाएगा, और नाव घर में पानी हो जाएगा तो पूरा घर का सामान जो है सो तैरने लगेगा। इससे मतलब यह है कि भाई ये इसी में बुद्धिमानी है कि नाव में अगर पानी बढ़ गया है तो दोनों हाथ से उलझ करके पानी को फेंकते रहिए, घर में यही सयानों काम राम को सुमिरन कीजिए। और सयानों का काम, यानी सयानों आदमी बुद्धिमान का काम यही है कि भगवान का नाम लीजिए, राम का नाम लीजिए, इसी में सबका कल्याण है, इसी में भवसागर पार है। तो राम का नाम लेने से ही कल्याण है, पर स्वार्थ काज कीजिए शीश आगे धर दीजिए, यानी दूसरे के जो पर हित काज कीजिए, मतलब दूसरे के जो उपकार होगा ऐसा काम कीजिए तो सबको अच्छा मानता है। और गिरधर कविराज वर्णन कीजिए यही वाणी, बड़ों की यही वाणी है, लोगों बड़े बड़े महाकवि, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ज्ञानी पंडित सबको यही कहा है, बड़ों ने यही कहा है कि भाई परोपकार करो, दूसरे का उपकार करो, दूसरे की सहायता करो, यही कहा गया है। चलिए चाल सुचाल राखिए अपनो पानी, और अच्छे चाल चलिए, अच्छे चाल चलना मतलब अपना कैरेक्टर को, अपने व्यवहार को अच्छा बना करके रहिए, तो यही तुम्हारा मान सम्मान देगा। पानी मतलब यहाँ सम्मान है, तो आपको मान सम्मान यही मिलेगा। अगला है, बिन विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए, जग में होत हंसाए चित में चैन न पाए। यहाँ कवि कहते हैं कि भाई बिना सोचे अगर कोई काम करते हैं तो पीछे पछताना पड़ता है, पीछे पछताना पड़ता है मतलब है कि ऐसा काम मैंने क्यों किया। और जग में हंसाए होता है, यानी संसार में लोग उसकी हंसाई करते हैं, उसकी मजाक उड़ाते हैं, और जग में हो हंसाए चित में चैन न पाए, और हृदय में मन में भी शांति नहीं मिलती है, हृदय में भी शांति नहीं मिलती, खान पान सम्मान राग रंग मन ही मन पावे। और ये मान पान सम्मान जो ये मान जो हमारा है, ये हमारा सम्मान है तो मन से ही लोग देता है, यानी अगर आपका अच्छा व्यवहार रहेगा तो सब कोई आपको अच्छा कहेगा। कह गिरिधर कवि राय दुख छू कछु करत नहीं, कवि राय कहते हैं कि दुख जो है वो टरता नहीं, यानी जाता नहीं है। दुख क्या है,
कि करता नहीं है, खटकत जिया माही की ना बिना विचारे। तो ये मन में हमेशा खटकता रहता है कि बिना विचारे जो हम काम करते हैं वो अच्छा काम होना चाहिए, बुरा काम होने से जग में हसाय होता है। इसका मतलब यही है कि भाई सोच विचार करके ही कोई काम करना चाहिए जो बुरा आदमी को न लगे और जग हसाय ना हो। जैसे मान लीजिए कि आप के पांच पांच रुपया है और 7 रुपया खा गए और पॉकेट से जब पैसा निकालते हैं तो उसमें 5 ही रुपया निकलता है, तो उसमें दुकानदार आपको कहेगा कि पैसा नहीं था तो खाया क्यों। तो इस तरह से बात होती है। अगला है, दौलत पाए ना कीजिए सपने हूं अभिमान। इनका कवि का कहना है कि अगर दौलत आपको मिल जाता है, संपत्ति मिल जाता है, तो सपना में भी अभिमान यानी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर दौलत अगर मिल जाता है तो सपनों में भी घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों? चंचल दिनचारी को ठाऊं रात न दिना। और ये चंचल है, ये 4 दिन ही ठहरता है, यानी दौलत सब दिन एक जैसा नहीं रहता है। ये लक्ष्मी चंचल होती है, जब तक मतलब बदलते रहती है, यानी दौलत सब दिन एक जैसा नहीं रहता है। कहने का मतलब यही है, चंचल दिन चारी ठाऊं ठाऊं न रात निदान, जियत जग में जस लीजिए। और अगर आपको मान लीजिए कि नाम कमाना है, जस कमाना है, तो अपने दौलत का सदुपयोग कीजिए, कहीं किसी गरीब को खिलाइए, दान कीजिए, या तो लोगों से अच्छा व्यवहार कम से कम बना कर रखिए। ऐसा कहा जाता है, मीठे वचन सुनाए विनय सब ही कीजिए, और मधुर वचन सुनाइए सब। मधुर वचन यानी अच्छे मीठे बोल बोलिए, कर्कश मत बोलिए, कड़वा वचन न बोलिए, किसी को दुख न पहुंचे ऐसा वचन कभी मत बोलिए। और का गिरिधर कबीरा यही सब घट दौलत, पाहु निसी दिन चारी के रात सब ही दौलत। और यहाँ कहा कि भाई ये सब दिन के लिए नहीं रहता है, आता जाता रहता है। जिस तरह से मेहमान आते हैं तो 2-4 दिन के लिए ही आते हैं, उसके बाद फिर वो चले जाते हैं, उसी को मेहमान कहते हैं, वही पाहुन है। तो इस तरह से इसमें सीख जो दी गई, इसमें कहा कि भाई अच्छे कर्म करना चाहिए, ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो जग में हसाए हो। आपका गुण अच्छा होना चाहिए, आपका वाणी अच्छा होना चाहिए, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, यही कविता का सीख है। इसलिए इस कविता को आप पढ़ भी लेंगे, देख भी लेंगे, और ये मेरा जो है और सुन लेंगे, ये वीडियो देख लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और मैं इसका प्रश्न उत्तर लिखा दूंगा। आज के लिए बस, धन्यवाद।